हे दोस्तों, आप लोग देखिए वी फोर वीडियोस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट टेस्ट करने वाले हैं जो कि देखने में बिल्कुल हॉलीवुड मूवी के वेपन्स की तरह लगता है। धा 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 नहीं, उससे धा धा नहीं होगा, उससे होगी सफाई, क्योंकि वो है एक वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों इस वैक्यूम क्लीनर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भाई ये वायरलेस है, यानी कि जीरो वायर, बस चार्ज करो और निकल लो सफाई करने। और आप सबको पता है कि भाई जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो कितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, और भाई 600 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट तक के आते हैं। लेकिन भाई एक वैक्यूम क्लीनर को बैटरी पे चलाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए ये प्रोडक्ट थोड़ा खास है, और इसीलिए हम लोग इसे टेस्ट करने वाले हैं कि भाई बैटरी पे वैक्यूम क्लीनर कैसे चल सकता है। तो ये प्रोडक्ट आता है गीक कंपनी की तरफ से, और इसका नाम है, मैं देख लूँ, ग्लैंटियर A8 वायरलेस वैक्यूम क्लीनर। थोड़ा मुश्किल नाम है पढ़ने में, लेकिन फिर भी हमें नाम से नहीं, हमें इसके काम से मतलब है। तो फटाफट इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है, और उसके बाद इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसका बॉक्स, यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए हैं कि किस चीज़ की सफाई कैसे की जा रही है। तो मैं आपको उसके फीचर्स गिना देता हूँ। इसके अंदर एक ब्रश रोलर है जो कि गोल गोल घूमता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही इसका जो हेड है बहुत ही स्मूथली मूव करता है, ये भी लिखा हुआ है। जीरो वायर यानी कि वायरलेस तो है ही, साथ ही इसके अंदर नैनो डस्ट फिल्टर टेक्नोलॉजी है, यानी कि धूल इसके मशीन के अंदर, मोटर के अंदर नहीं जाएगी। साथ ही डुअल स्पीड में आता है, 0.5 लीटर की कचरा इकट्ठा करने की कैपेसिटी है, चार्जिंग टाइम 4.5 घंटा, 2200 mAh की पोर्टेबल बैटरी है, रन टाइम 20 से 40 मिनट, जो कि डिपेंड करता है कि आप लोग इसे कितनी पावर पे यूज कर रहे हैं, और साथ ही इसमें मिल जाएगी 1 साल की वारंटी। तो इसके बॉक्स के कंटेंट देखते हैं क्या क्या है, फटाफट सब कुछ निकाल लेते हैं। तो मैंने इसका बॉक्स ओपन कर लिया है, तो देखते हैं क्या क्या है फटाक से। तो सबसे पहले ये इसका मेन मोटर वाला पार्ट, इसके अंदर ही इसकी बैटरी लगती है। यहाँ पे टर्बो बटन है इसकी पावर को डबल करने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो कुछ ऐसे इसकी पावर डबल हो जाती है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, ये देखो, सिंपली यहाँ पे चार्ज पे लगा सकते हैं। फुल चार्ज होने पर ये तीनों बत्ती लगातार जलने लगेंगी, जैसे कि अभी ये फुल चार्ज हो गया है, तीनों लाइट लगातार जल रही हैं कुछ इस तरीके से। और मैं आपको इसका बैटरी वाला पार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी बैटरी लगी हुई है जो कि एक बटन पुश करते ही निकल आती है। कितनी छोटी सी बैटरी है ना, 2200 mAh 48.84 वॉट आवर की बैटरी है, और सिंपली यहाँ पे लग जाती है। ये इसका वॉल माउंट का सॉकेट है, सिंपली इस सॉकेट को दीवार में लगा दीजिए अपनी इच्छा अनुसार, और दीवार में टांग दीजिए अपना वैक्यूम क्लीनर। और ये इसका चार्जर, और दोस्तों ये इसका डस्टिंग नोजल, आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जरूरत अनुसार इसे यूज कर सकते हैं सफाई में। और ये इसका क्रिवाइस नोजल, कोनों की सफाई के लिए इसका यूज करते हैं, जहाँ पे हाथ ना जा सके, जहाँ के कोने पतले हो, जहाँ पे जगह कम हो, वैसी जगहों पे इसका यूज कर सकते हैं। और ये इसका फ्लोर हेड, और इसमें मुझे कई चीज़ें अच्छी लगी, जैसे कि ये बहुत ही स्मूथली मूव करता है इधर उधर ऊपर नीचे, ताकि आप लोग आसानी से इसे मोड़ सकें। और इसके नीचे एक ब्रश रोलर भी लगा हुआ है जो कि घूमते हुए फ्लोर की सफाई कर सकता है, अगर हल्की फुल्की धूल है तो। तो भाई ये इसका डस्ट कंपार्टमेंट, इसके अंदर सारी धूल मिट्टी कचरा इकट्ठा होगा, और सिंपली एक बटन दबाते ही सब कुछ आप लोग खाली कर सकते हैं। और इसे इतना हैवी इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, डस्ट फिल्टर, जो कि धूल वगैरह को वैक्यूम क्लीनर की मोटर के अंदर जाने से रोकता है। ये देखो, इस फिल्टर से धूल वैक्यूम क्लीनर के अंदर नहीं जाती है, केवल और केवल बॉक्स के अंदर ही धूल और कचरा इकट्ठा होता है, तो इसीलिए इसे बोला गया है नैनो डस्ट फिल्टर टेक्नोलॉजी। और ये इसकी एक्सटेंशन ट्यूब, ताकि आप लोग बिना झुके आराम से फ्लोर की सफाई कर सकें। तो करते हैं अपने वेपन को लोड कुछ इस तरीके से,
और ये हो गया, ठीक है। अब लगाते हैं इसका हैड और शुरू करते हैं घर की सफाई। तो यहाँ पे सफाई को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी इस रेड कलर की मैट में कुछ कागज़ के गोल गोल बिंदियाँ, आटा बिखरा रखा है और साथ ही बालू बिखरा रखा है। और आप सबको पता है कि किसी मैट से इन चीज़ों को हटाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। और फर्स्ट पर भी मैंने आटा थोड़ा सा बिखरा रखा है, साथ ही ये देखो बालू भी बिखरा रखा है फर्स्ट पे, और ये कागज़ की चिकलियाँ कुछ भी नाम रख देते हैं, इन्हें बिखरा रखा है। तो भाई सफाई हो गई, देख लो जो मैट थी हमारी इसमें हल्का हल्का बालू बचा हुआ है, हल्का हल्का आटा भी चिपका हुआ है जो कि बहुत ही पास आने पर दिख रहा है। वैसे काफ़ी हद तक सफाई हो गई, लेकिन जो मेरी मैट है ये बहुत ही कसके धूल मिट्टी को चिपका लेती है, जो कि इसे उल्टा लटका के डंडों से पीटने पर ही साफ होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बिना इसे हटाए सफाई हो गई यहीं पर। तो दोस्तों ये है इसका रोलर, इसे लगाते हैं इसके हेड में, बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये देखो एक बटन को खिसकाना है, दूसरा साइड को उसके दांतों पे मिलाना है, और ये देखो फिट हो गया। और इससे आप लोग फ्लोर की सफाई कर सकते हैं, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। तो मैंने इसे खूब सारे बालू और आटे के साथ टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट करने के बाद पता चला कि इसका यूज़ वहाँ पे सही होगा जहाँ पे धूल गर्दा थोड़ी सी कम हो। कुल मिला के हमें कुछ एक्सपीरियंस से ही सीखना होगा कि किस चीज़ को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। तो चलिए थोड़ी बहुत सफाई करना शुरू करते हैं डस्टिंग नोजल से, और मुझे लगता है कि हमें एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा कि भाई डस्टिंग नोजल का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे अच्छी तरीके से सफाई करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग डस्टिंग नोजल का गलत यूज़ कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस से हमें मालूम चल जाएगा। जैसे कि मुझे इस पीसी को साफ करना था जो कि पॉसिबल था डस्टिंग नोजल के जरिए ही, दूसरा कोई भी चीज़ यहाँ पर काम ना करती, अगर काम करती भी तो हमें काफ़ी मेहनत लग जाती। तो ये है क्रेवाइस नोजल, यानी कि कोनों पे सफाई करने के लिए। अब दुनिया में बहुत सारे कोने हैं, मुझे तो सिर्फ यही कोना मिला। चलिए इस वैक्यूम क्लीनर को अच्छे से खाना खिलाते हैं। यार इसने तो कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया, इसको उल्टी करवाते हैं, नहीं तो बेचारे को क्या होगा। हो गई उल्टी, मतलब सब कचरा कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग इससे, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका एक्सटेंशन रॉड लगा के कुछ इस तरीके से हम लोग अपने फ्लोर की सफाई कर सकते हैं। अगर हमारे फ्लोर में बस केवल हल्की फुल्की धूल जमा हुई है तो सिंपली इसके ब्रश रोलर को लगाइए और फ्लोर की सफाई में जुट जाइए। लेकिन ध्यान रखना इसे पोंछे से और झाड़ू से कंपेयर मत करना, झाड़ू से बड़ी बड़ी चीज़ें हटा सकते हैं, पोंछे से धाग धब्बे हटा सकते हैं। जैसा कि ये बड़े बड़े कागज़ थोड़ी ना इससे हम सोख लेंगे, क्योंकि ये इसके मुंह के अंदर ही नहीं जाएंगे, इसीलिए इसकी तुलना झाड़ू से मत करना, इससे वही काम कराना जो कि इससे पॉसिबल है और ये उन्हीं कामों के लिए बना है,
जैसे कि आप लोग खुद देख लो, इसका मुंह इतना बड़ा है, अब इसमें ये डब्बा थोड़ी ना घुस जाएगा और ना ही इतने बड़े बड़े कागज थोड़ी ना घुस जाएंगे, ये इसके मुंह को ही बंद कर देंगे। तो इसकी तुलना झाड़ू से और पोंछे से तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। साथ ही इसमें एक हुक मिला है कुछ ऐसा, जिसकी मदद से आप लोग अपने वेपन को युद्ध के लिए तैयार कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं कुछ ऐसे, और सिंपली निकल सकते हैं अपने सफाई की लड़ाई में। ये मस्त है ना, वैसे देखने में काफी मस्त लगता है ना ये। दोस्तों यहाँ पे मेरी तरफ से कॉमन सलाह कि झाड़ू कुछ कामों में बेटर हो सकती है, पोंछा कुछ कामों में बेटर हो सकता है, उसी तरीके से वैक्यूम क्लीनर कुछ कामों में बेटर हो सकता है। वैक्यूम क्लीनर कुछ ऐसे कामों को अच्छी तरीके से कर लेगा जो कि आपकी झाड़ू पोंछा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक वैक्यूम क्लीनर झाड़ू और पोंछे की जगह नहीं ले सकता है। बाकी का आप लोगों ने इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये तो देख ही लिया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना कि इस वैक्यूम क्लीनर के जरिए किस काम को करने में सबसे ज्यादा सुविधा होगी, तो कमेंट में बताना जरूर। ओ, मैं किसी को पीट पीट के थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो सफाई करके आया हूँ। हाँ सफाई, दोस्तों मैंने सफाई तो कर ली, अब निकालते हैं इसका कंक्लूजन। तो दोस्तों इसका प्राइस है 9,000 रुपये के करीब भी आपको अमेजोन और इसकी ओरिजिनल साइट में मिल जाएगा, और हो सकेगा तो मैं आपको एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दे दूंगा जिसकी मदद से आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई इसकी कीमत जैसे कि मैंने कहा 9,000 रुपये के करीब है, और इस प्राइस में अगर आप कंपेयर करें किसी वायर्ड वैक्यूम क्लीनर से तो आपको 2-3-4 वायर वैक्यूम क्लीनर मिल सकते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आती है यहाँ पे, मेन चीज़ जो है वायरलेस, और इसी की वजह से इसका प्राइस वायर्स की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और हाँ, हो सकता है कि वायर्ड वाले वैक्यूम क्लीनर से आपको इसकी पावर थोड़ी सी कम लगे, जाहिर सी बात है भाई वो बिजली से पावर खींच रहा है और ये एक बैटरी से पावर ले रहा है, तो कुछ बहुत अंतर तो इसमें होगा ही। लेकिन मेन पॉइंट तो बस इसका यही है कि इसमें कई सारी खूबियां तो है ही, लेकिन मेन खूबी इसकी वायरलेस है, ये एक वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है। तो आपको ये वैक्यूम क्लीनर कैसा लगा मैंने टेस्टिंग करके तो आपको दिखाई दिया, कमेंट में बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और इस वैक्यूम क्लीनर को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। बाय बाय।